उचार कोतवाली क्षेत्र के गंदपी गांव के रहने वाले संतोष नाम के युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गया। परिवार के लोगों ने उचार कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस संतोष को ढूंढ नहीं सकी। देर रात कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर संतोष का शव बरामद हुआ। चकेरी थाना इंचार्ज के द्वारा जब परिजनों को बताया कि उनके बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर है, तब परिजनों सहित गांव के कुछ लोग जाकर शव को वापस लाए और जमुनापुर चौराहे पर शव को रखकर हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे जाम होने की सूचना जैसे ही प्रशासन को ही प्रशासन अमला में हड़कंप मच गया। तत्काल मौके पर पहुंचे पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को हटाने का प्रयास किया, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने हाईवे से जाम खाली नहीं किया। यही नहीं, परिवार के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते बताया कि उचहार पुलिस की लापरवाही की वजह से उनके बेटी की हत्या हुई। अगर पुलिस चाहती तो उनके बेटे का सुराग लग सकता था, लेकिन पुलिस सोती रही और उधर उनके बेटे की हत्या हो गई। जब इस मामले पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी से बात की, उन्होंने बताया परिवार के द्वारा तहरीर मिल गई है, हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। क्राइम ब्यूरो चीफ मंडल लखनऊ अंशु श्रीवास्तव। सर देखिए, उचहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं राजेश श्याम सना बाबूलाल, इनका गांव पड़ता है गंदपी। ये दिनांक 23 तारीख को उचहार थाना पर आए और सूचना दिया कि उनका पुत्र संतोष कुमार, जिसकी लगभग 22 वर्ष उम्र है, 22 तारीख को रात में लगभग 10 बजे खाना खा करके सोया और अगले दिन सुबह मौजूद नहीं मिला। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज की और सर्विलांस की टीम के माध्यम से और CBR के माध्यम से उसकी तलाश जारी की। इसी दौरान 23 तारीख को ही पुलिस को सूचना मिली कि मृतक का शव कानपुर थाना चकेरी के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर मिला है। चकेरी पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई और अंतिम संस्कार के लिए शव मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजन आज शव ला करके उचहार क्षेत्र के अंतर्गत जमुनापुर चौराहे पर प्रदर्शन शुरू किए। जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना आई, तत्काल हमारे क्षेत्राधिकारी डलमऊ और प्रभारी निरीक्षक उचहार मौके पर पहुंच करके परिजनों से वार्ता की और परिजनों के द्वारा आज जो सूचना उपलब्ध कराई गई उस पर तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की और परिजनों को समझा बुझा करके शांत कराया। परिजन द्वारा मृतक के शव को ले जाकर के अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कानून व्यवस्था की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इस प्रकरण में जितनी भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बरहाल जो आपकी भरपाई तो नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन जो छिला करके सर देखिए, चूंकि ये एक रेड़ी पटरी वाला व्यापारी था, इससे व्यापारियों में भी आक्रोश ये है कि अगर आज एक व्यापारी साथ ये घटना घटी है, कल किसी को भी मार के फेंक दिया जाएगा, उसके बाद हत्या करा दिया जाएगा। तो मिला करके ये है कि इसमें भी होगा, उसको सजा मिलेगी अगर कार डिटेल निकली जाएंगे। कार डिटेल घर मेरी बेटा बेटा जो कार डिटेल निकल के आधार पर तथ्य के आधार पर आगे बढ़ते हैं और जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। हम आश्वासन हमारा मानिए, हम आश्वासन दे रहे हैं आपको। अब वोट कौन सा ना अत्याचार को कौन सा ना बेटा घूम रहा है। जल्दी मोबाइल रिपोर्टिंग नहीं निकलता, ये ज्ञान भारत सरकार से आता है। जांच नहीं सर जी, ये बताइए जब लड़का आज 4 दिन के चेस हो गया, उसके देखने नहीं गया तो इनको ये लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। किस लिए इसकी तो दशा हो रही है सर, इनका भरोसा खत्म हो गया। 12 घंटे के अंदर नया जेल तब करना होगी, नहीं होगी 12 घंटे के अंदर लेकिन जमुनापुर की पुलिस कसम खाए नहीं वर्दी पहने घूस खा रहे हिना बैठे रहे हमारे घर एक बार नहीं गए थे। चौथा दिन साढ़े छह बजे वाले मिले हैं जमुनापुर वाले पुलिस, ऊंचा हार के पुलिस। अब तक कहां से बात मिलने के बाद
भी यहाँ थे, एसपी की मांग है सर, एसपी साहब की, एसपी साहब जब तक एसपी साहब ने तब तक जब ना होगी चाहिए।